साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद अब पुलिस एक एक कर उसकी पोल खोलने में जुट गई है। पुलिस लगातार उसके आलिशान डेरे पर छापेमारी कर रही है। इस बीच पुलिस को उसके डेरे से हथियारों का जखीरा मिला है, जिससे पता चलता है कि बलात्कारी बाबा ने अपने डेरे में काले कारनामों को अंजाम देने के साथ साथ हिंसा फैलाने के लिए एक सेना भी तैयार कर रखी थी। राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद से ही उसके डेरे पर पुलिस की नजर है। पुलिस लगातार अभियान चलाकर वहां से समर्थकों को बाहर करने का काम कर रही है। आज एक बार फिर पुलिस सिरसा में उसके डेरे पर पहुंची, जहां पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। इन हथियारों में कई राइफल, रिवॉल्वर और अलग अलग तरह की गन शामिल है। सदर पुलिस के मुताबिक पुलिस ने अपील की थी कि जिन लोगों के पास लाइसेंस हथियार हैं वो जमा कराएं। थाना प्रभारी के मुताबिक पुलिस की चेतावनी के बाद केवल 33 हथियार जमा करवाए गए हैं। डेरे से बरामद किए गए हथियारों को पुलिस ने सिरसा के सदर थाने में रखा है। पुलिस डेरे से बरामद हुए हथियारों की जांच कर रही है, साथ ही पुलिस ये पता लगाने में जुटी है आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ये हथियार यहाँ क्यों छिपाए गए थे। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब में अब तक डेरा सच्चा सौदा के कई डेरों और नाम चर्चा घरों से हथियार बरामद हो चुके हैं। पुलिस ने डेरों से मिले कीमती सामान को उनके सेवादारों को सौंप दिया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस सामान में मर्सिडीज, ऑडी जैसी महंगी गाड़ियां तक शामिल हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।